हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल स्टडी चैनल में कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ये देखिए किसका है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा इग्लू क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? तो ये होता है, ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा, प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो देखिए तीसरे का आंसर हो जाएगा फोर, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए चंबल नदी जो राज्यों से होकर गुजरती है वो गुजरती है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीन शहरों से, राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन है? पांचवे का आंसर हो जाएगा, देखिए, निकोलो कोंटी। दूसरा हो जाएगा निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन है छठा, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है सातवां, चरकुला नृत्य से संबंधित है? तो ये देखिए चरकुला नृत्य देश खाली स्थान से संबंधित है, ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य ये भी है, रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश का ही रासलीला भी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर है, हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो थी कन्नौज। थ्री, इसका आंसर भी तीसरा हो जाएगा, कन्नौज इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, नवाब बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये बुद्धा ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सरनाथ में दिया था। एक ऑप्शन हो जाएगा इसका, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है बिट्स के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दसवें का, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन तीन हो जाएगा इसका, ग्यारहवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, आर्यभट्ट। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के शेल में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, परतदार शेल में। जीवाश्म किस प्रकार के शेल में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं परतदार शेल में। अगला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? ये होती है नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा तीन, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सी हवा वर्ष में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सी हवा है जो वर्ष में हर साल में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? वो है तीन, मानसून हवाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, यूपी पुलिस में। तो इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तीन, गोभी कालाहारी अटाकामा सहारा क्या है? जो सोलहवें का आंसर हो जाएगा, ये हैं, ये मरुस्थल हैं। ये क्या है? मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है सत्रहवा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका आंसर हो जाएगा तीन। अट्ठारहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो देखिए अट्ठारहवें का आंसर, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये दूसरी दूसरा नंबर का है, नर्मदा। ये इसका आंसर हो जाएगा दो, नर्मदा नहीं बनाती डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होता है। तीन ऑप्शन हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी की कितनी परसेंट है? तो ये है, देखिए 21वां का आंसर हो जाएगा, कितनी है? 16.4, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, 16.4। अगला क्वेश्चन है, देखिए बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी रमन लांबागी, बांग्लादेश के क्रिकेट
क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी रमन लांबा की। अगला क्वेश्चन है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, पहला पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, और ज्वार शक्ति परंपरागत है, गैर परंपरागत है, ये परंपरागत है दोनों, पेट्रोल और कोयला परंपरागत, परंपरागत, बाकी ये दोनों जो हैं पवन और पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ये एक गैर परंपरागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ए और डी, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं यहाँ यूपी पुलिस रेलवे की तैयारी भी करा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।